Hello everyone. So, we are discussing previous year questions of the chapter Principles of Inheritance and Variation and the topic Pleiotropy.

और इसका रीजन बताना है सो so लेट्स तो बेटा प्लियोट्रॉपी वो फिनना होता है जब एक सिंगल जीन एक से ज्यादा फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है क्लियर फॉर एग्जाम्पल डिजीज फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड ह्यूमन्स ह्यूमन्स में जो डिजीज फिनाइल कीटोन्यूरिया होती है बेटा ये सिंगल जीन म्यूटेशन की वजह से होती है जब जीन म्यूटेशन होता है तो ह्यूमंस में एंजाइम फिनाइल एलिन हाइड्रॉक्सीज बननी बंद हो जाती है जिसकी वजह से फिनाइल एलेनिन हमारी बॉडी में एक्यूमलेट होने लगता है और कॉज करता है डिजीज फिनाइल कीटोनूरिया इसी की वजह से ह्यूमंस में मेंटल रिटार्डेशन होता है हेयर रिडक्शन होता है और स्किन पिगमेंटेशन होता है तो एक ही जीन बहुत सारे फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को गवर्न कर रहा है इसीलिए ये एक एग्जाम्पल है प्लियोट्रोपिका क्लियर बेटा ये जो फिनमिना है ये ऐसा इसीलिए होता है यानी एक जीन मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन इसीलिए कंट्रोल कर पाता है क्योंकि इस जीन का सीधा सीधा इफेक्ट ह्यूमन की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक पाथवे पर होता है और जब किसी जीन का इफेक्ट मेटाबॉलिक पाथवे पर होगा तो वो मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन कंट्रोल कर पाएगा क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट डाल रहा है और मेटाबॉलिज्म बेटा हमारी बॉडी में अलग अलग प्रोसेस से रिलेटेड होता है So the answer is when a single gene can exhibit multiple phenotypic expression, such a gene is called a pleiotropic gene. The underlying mechanism of pleiotropy in most cases is the effect of a gene on metabolic pathways which contribute towards different phenotypes. An example of this is the disease phenylketonuria, which occurs in humans. The disease is caused by mutation in the gene that codes for the enzyme phenylalanine hydroxylase. Single gene Mutation. This manifests itself through phenotypic expression characterized by mental retardation and a reduction in hair and skin pigmentation. Clear? So I hope this question is clear to you. Thank you.